Rahul, I'm really happy and I'm really proud to be associated with this brand, Titan, which is the leading manufacturer in the country and sixth largest in the world. और हमारा अपना ब्रांड आई थिंक मेरी अपनी खुद की जो पहली वॉच थी जो मैंने ली थी आज से कुछ 10-15 साल पहले वो भी एक टाइटन की वॉच जो अभी तक बहुत अच्छी चल रही है. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी हियर. बहुत गिल्टी लगता है बिकॉज इतने लोग वेट कर रहे हैं आपका और आप समय से नहीं पहुंच पाते. उसके कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते. बट फिर भी आई मेक श्योर मैं जहां भी जाऊं मैं टाइम से पहुंचूंगा, टाइम से थोड़ा करिए. बट विद बॉम्बे ट्रैफिक यू नो, विद मुंबई ट्रैफिक बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक हो जाते हैं कभी कभी. होपफुली मेरी फिंगर्स क्रॉस है, रिलीज है फिल्म बहुत जल्दी एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको फिल्म पसंद आएगी. और जैसे मोहित फिल्म की बाकी कुछ ने इतना सक्सेस देखा है, हमारी अधूरी भी उसी फेरिस में शामिल होगी और आई होप मेरे काम को भी लोग पसंद करेंगे. मेरे किरदार का नाम है हरी. ये एक उस कम्युनिटी को, उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे यू नो औरतों को बहुत दबाव है. वो चाहते हैं कि लाइक वुमेन शुड बी सबमिसिव, कि उनको दे ट्रीट वुमेन एज अ प्रॉपर्टी. तो ये उसी क्लास से आता है और कैसे बट आई थिंक दैट हाउ आई प्लेड इट. आई थिंक ही इज ऑल्सो इन लव. हिज वे ऑफ शोइंग लव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इमरान कैरेक्टर. बट ही इज अ लवर who's wanting his love back from whatever has happened. But there's a graph to it, there's an emotional journey to it, jo aapko sirf film dekh ke samajh aayega. नहीं, वक्त के लिए पहनता हूँ मैं. मुझे मोबाइल में टाइम लिखना इतना मुझे बहुत स्ट्रगल लगता है, उसको निकाल के थोड़ा बहुत एफर्ट. तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि आप वॉच पहने, जो कि जैसे मैंने कहा कि मेल्स के लिए बहुत ही कम एक्सेसरीज होती हैं वैसे भी. मतलब गर्ल्स के लिए इतना कुछ है दुनिया में, पर लड़कों के पास बहुत ही कम ऑप्शन है. तो वॉच उसमें से एक बहुत प्रीमियम एक्सेसरी है, तो जरूर उस पर स्पेंड करना चाहिए. जी जरूर, मैंने अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है, मैंने स्ट्रगल भी देखी है. और आई थिंक तभी आपको मजा आता है जब स्ट्रगल करके आप ऊपर आते हैं, क्योंकि वही सपना आप देख रहे थे स्ट्रगल के दौरान कि एक दिन मुझे यहाँ पहुंचना है. एंड वंस यू बी देयर, ऑफकोर्स फिर उसके बाद सपना और बड़ा हो जाता है कि मुझे अभी और ऊपर जाना है. सपने का तो अंत नहीं है. But I feel happy that whatever I dreamt of, I'm kind of living that dream every day. Thank you so much. इसमें एक कटाक्ष नजर आएगा जो कि एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है. एक सच्ची घटना हुई थी इस देश में और कैसे हमारा सिस्टम एक आदमी को परेशान करता है, तो उसको लेकर के हमने इस